नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वाघेला फिर से आपके साथ हूँ। दोस्तों आज हम लोग मिले हैं सोनी का M4 कैमरा लेके, और इसके साथ मेरे पास है जी मास्टर 2470 मतलब 2470 2.8 का लेंस। इसके माध्यम से मैं आज LED लाइट के माध्यम से मैं कुछ शॉट्स बनाने वाला हूँ। आज मेरे साथ जो मॉडल है शालू, जो हमें आज साथ देंगे, और मैंने जो यहाँ पे सेटअप किया है पीछे एक LED लाइट रखा के रखा है, दूसरा मेरे जो दो असिस्टेंट है वो मुझे दो लाइट देने वाले हैं। अब जब मैं फोटो क्लिक करता हूँ तो जो हम लोग जिसको वर्ल्ड फेमस 3 पॉइंट लाइटिंग बोलते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ कैप्चर करने वाला हूँ, मतलब कि एक की लाइट, एक हेयर लाइट और एक बैक लाइट। तो तीनों लाइट का कैसे यूज करना है सिर्फ और सिर्फ LED लाइट से, और उसके माध्यम से आपको क्रिएटिव फोटोग्राफी कैसे करनी है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अमन को बोलूंगा, अमन बैकग्राउंड लाइट चालू की जाए। तो अमन ने अभी बैकग्राउंड लाइट चालू किया है और उसके साथ मैं एक फोटो क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं की लाइट और फील्ड लाइट को मैं ऐड करता हूँ। यस मैम, ये मैंने कैमरा ऑन कर दिया और एक फोटो मैंने क्लिक कर दी। अब देख सकते हो बैकग्राउंड में बहुत अच्छा सा एक ग्लो दिख रहा है। नाउ मैं ध्रुव भाई को बोलूंगा कि वो हमें की लाइट दे। ध्रुव भाई नजीक आओ, यानी की लाइट आपको। दोस्तों जब भी हम ये लोग की लाइट देते हैं, आप देख सकते हो LC500 है और इसको मैंने 5200 केल्विन पर रखा है। मैम फेस टूवर्ड द लाइट थोड़ा सा, यस नाइस, यस गुड। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मतलब कि एक बैक लाइट है और एक मेरा जो है की लाइट। मैं उसके माध्यम से 2-3 शॉट्स क्लिक कर रहा हूँ। यस मैम, मैम हल्का सा हेयर थोड़ा सा पीछे ले, आंखें दिखे इस तरह से, यस नाइस, वेरी नाइस। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2-3 क्लिक कर दिए जिसमें बैकग्राउंड जो है लाल कलर का है, लेकिन साथ में मैंने जो बैकग्राउंड पे लाइट दिया वो पिंक कलर का दिया है ताकि मुझे कलर्स में ग्रेडियंट भी मिले और बहुत अच्छे शॉट मिले। ये मैंने 3-4 शॉट जो है कैप्चर कर लिए की लाइट और बैकग्राउंड के लाइट के। अब मैं चाहता हूँ कि उसके हेयर में थोड़ा सेपरेशन आए, लेकिन हेयर का सेपरेशन भी मैं चाहता हूँ कि लाल कलर से मिले, तो देखते क्या फर्क आता है। यस सर, आप मुझे हेयर में लाल कलर का लाइट चालू करके दीजिए। तो आप देख सकते हो हेयर पे बहुत खूबसूरत लाल लाइट है। यस मैम, टूवर्ड द लाइट, यस गुड। दोस्तों ये जब आप शूट करते हो आपको ध्यान रखना है कि जिस साइड हमारा की लाइट है उसी साइड उनका फेस होना चाहिए, और हमारी जो लाइटिंग का प्रकार जिसको बोल सकते हो ब्रॉड लाइटिंग होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपको काफ़ी फेस पे शेडो मिलेगा। यस नाइस, वेरी नाइस। अब थोड़ा सा चेंज करवाते हैं, अमन उसको मुझे व्हाइट लाइट कर दो जैसे कि ये लाइट है। तो दोस्तों अब ये जो तीसरी लाइट है मेरी हेयर की वो मैंने व्हाइट कर दी है, तो 2-3 शॉट्स हम लोग व्हाइट लाइट में लेते हैं और ये दो और इसमें। तो यस मैम, जब भी आप शूट करते हो ध्यान में रखना है कि उनकी बॉडी के आउटलाइन पे भी ये लाइट मिले ताकि आप बैकग्राउंड से दोनों का डिफरेंस जो है क्रिएट कर पाओ। दोस्तों ये जो 3 पॉइंट लाइटिंग होता है उसका पर्पज यही होता है, एक की लाइट जो मेन सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करेगा मतलब कि हाईलाइट करेगा, दूसरा हेयर लाइट जो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा ध्यान से, तीसरा एक लाइट जो है मैंने बैकग्राउंड पे दिया है जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों के बीच का डिस्टेंस क्रिएट करता है। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे शेडो आ रहा है तो आप चौथा एक फील्ड लाइट भी दे सकते हो। सबका अपना अपना तरीका है, बट आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर तरीका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ मैं हमारे जो मॉडल है उसका जो लिंक है, इसका जो आईडी है, उसको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जिसको इन फोटोज़ को आप एडिट कीजिए, अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर लगाइए, और मेरे मॉडल को भी टैग कीजिए, हमारे मेकअप आर्टिस्ट को टैग कीजिए और हमारी एकेडमी को टैग कीजिए, और इस फोटोज़ को आप अपने स्टूडियो पर भी लगा सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।